सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बीसीसीआई ने ऑफिशियली आईपीएल 2020 को कर दिया है पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस, यानी कि यार जब तक इंडिया में सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती, आईपीएल 2020 हो चुका है पोस्टपोन और बहुत कम चांसेस अब दिख रहे हैं कि आईपीएल 2020 होने भी वाला है। लेकिन यार एक खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ रही है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर बीसीसीआई को प्रस्ताव रखा है कि आप आईपीएल श्रीलंका में करवा सकते हो, ये पॉसिबल हो सकता है। आईपीएल दो बार फॉरेन कंट्रीज में गया है, साल 2009 में साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था और साल 2014 में भी कपल ऑफ मैचेस यूएई में हुए थे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप आईपीएल बाहर करवा सकते हो और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप आईपीएल श्रीलंका में करवा सकते हो। दरअसल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट शमी सिल्वा ने यह ऑफिशियली बयान दिया है मीडिया को कि हम बीसीसीआई से बातचीत कर रहे हैं आईपीएल 2020 श्रीलंका में करवाने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीलंका में आईपीएल अगर होता है तो हम सारी फैसिलिटीज देने वाले हैं, जो भी कुछ फैसिलिटीज लगने वाली है हम वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर से स्टेडियम्स तक सब कुछ हम बढ़िया से तैयार करके देंगे, तो ये अच्छी बात होने वाली है। एक बार आपको क्विकली बता देता हूं, श्रीलंका में 8 स्टेडियम्स हैं जो अभी इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर चुके हैं और उसके अलावा भी बाकी जो डोमेस्टिक स्टेडियम्स हैं वो तो श्रीलंका में है ही। तो अगर 8 स्टेडियम्स में आप इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर चुके हैं तो आप 8 स्टेडियम्स को हर एक टीम का होम ग्राउंड बना सकते हो और स्टेडियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वहां पर अच्छी खासी आपको पब्लिक भी देखने को मिल सकती है। तो श्रीलंका में आईपीएल करवाना कोई बहुत बुरी चॉइस नहीं है। अब यहां पर आपको मेन रीजन बताता हूं कि आखिरकार श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से बातचीत क्यों कर रही है आईपीएल श्रीलंका में करवाने के लिए। तो सबसे बड़ा मेन रीजन है पैसा। मनी बहुत ज्यादा जनरेट होता है आईपीएल के होने से और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आईपीएल वहां होता है। वैसे भी यार बीसीसीआई कुछ तो करने ही वाली है, क्योंकि अगर आईपीएल 2020 नहीं होता है तो बीसीसीआई को अराउंड 3,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो नुकसान झेलने से तो अच्छा है कि आप श्रीलंका में ही आईपीएल करवा लो, भले ही कुछ ही पैसे आपको वहां से मिलेंगे, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तो अच्छी कमाई होने वाली है, आपको भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना इंडिया में करवाने से मिलते हैं, लेकिन फिर भी 3,000 करोड़ के नुकसान से तो अच्छा है कि कुछ पैसे ही आप कमा लो। सो हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि आपको आईपीएल श्रीलंका में देखने को मिल जाए। अब देखते हैं बीसीसीआई क्या फैसला लेती है। अब यहां पर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर इंडिया में आईपीएल हो सकता है तो करवा दो, नहीं हो रहा है तो श्रीलंका में करवा लो, क्योंकि आईपीएल कैंसिल होने से तो अच्छा है कि आप श्रीलंका में आईपीएल करवा लो। सब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। आप क्या सोचते हो, श्रीलंका में आईपीएल होना चाहिए कि नहीं, कॉमेंट करके बिल्कुल से बता देना। आई एम अर्चित जैन साइनिंग ऑफ, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी और घर में रहो, बहुत अच्छा रहेगा।